गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले मैंने ये लैक्मी का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़ लिया है। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज ले सकते हैं अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए। इसे आप धीरे धीरे ब्लेंड करें और इसे 2-3 मिनट रहने दें अपने फेस पर। उसके बाद में मैंने ये कलर बार का सेटिंग स्प्रे लिया है ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो एज ए प्राइमर का भी यही काम करेगा हमारे। और इसके बाद में मैंने ये शुगर की फाउंडेशन स्टिक ली है, ये शेड नंबर 3 है और ये फुल कवर फाउंडेशन है। जो लोग भी चाहते हैं कि हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आईज़ मेकअप को सेट करने के लिए मेबलिन का पाउडर लिया है और ये आई शेडो पैलेट मेरा फेवरेट है और इसका रिव्यू मैंने फुल कर रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सिर्फ 180 रुपये की ये पैलेट है। अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे हम जो आई शेड लगा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक पिंपल निकल आया है। तो ये फुल कवर फाउंडेशन है तो इतनी अच्छे से अप्लाई होगा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि फेस पे पिंपल भी है। आप देख सकते हैं इसका कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है। ये शुगर का फाउंडेशन है और मैंने ये ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और इसी के पीछे एक ब्रश दिया हुआ है, ब्लेंडिंग ब्रश, तो मैं इसी से ही इसे अप्लाई कर लूँगी। आपको कोई ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत नहीं है अलग से लेने के लिए, क्योंकि इसी स्टिक के पीछे एक ब्लेंडिंग ब्रश हमें मिल जाता है। और फिनिशिंग देने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो अच्छे से अप्लाई हो सके। और नेक को कवर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने नेक में ज़रूर फाउंडेशन, नेक और फेस आपका एक जैसा लग सके। और इसके बाद में मैंने ये मैबलिन के पाउडर से अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ किया है ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और लॉक हो जाए वहीं की वहीं फाउंडेशन, बिल्कुल स्वेटिंग होने पर बिल्कुल भी ना हटे। और इसके बाद में मैंने ये MN का लाइनर लिया है और ये मेरा फेवरेट लाइनर है। ये एज ए वाटर प्रूफ रहता है और काजल के इस्तेमाल में भी मैं इसे ही लूँगी, क्योंकि काजल जो होता है चाहे कितना अच्छे से अच्छा काजल क्यों ना हम अप्लाई कर लें लेकिन हल्का सा स्मच जरूर हो जाता है वो 3-4 घंटे के बाद। लेकिन आपका ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला लाइनर, ये लाइनर बहुत ही अच्छा है। लाइनर आप देखिएगा, मैं इसे नीचे लोअर लैश लाइन में भी इस्तेमाल कर रही हूँ एज ए काजल और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इसको अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा मैट में है। इसके बाद में मैंने नोज़ को कंटूर करने के लिए पर्पल की NYB पर्पल कंटूर लिया है NYB का, ताकि जो मेरा चिक एरिया है वो उभर के आ। चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लोसी लगे और बहुत ही अच्छे से, तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन और जो भी आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पे उसे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है। इसके बाद में मैंने ये मैक के लैशेज आई लैशेज लगा ली हैं और ये वेट एंड वाइल्ड का मैंने पाउडर लिया था। इसके बाद में मैंने NYB का हाईलाइट लिया है, ये देखिएगा, ताकि जो हमने कंटूर किया था वो भी उभर के आ सके। तो इसे हम ब्लेंड अच्छे से करेंगे, हमारी ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट हमारी ब्लेंडिंग रहती है कि हम किस तरह ब्लेंड कर रहे हैं। और ये मैंने अपने घर पर DIY हाईलाइटर बनाया था, आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा ये हाईलाइटर लगता है, बेस्ट हाईलाइटर, 10 रुपीज़ का हाईलाइटर मैंने अपने घर पे बनाया था ये लूज़ पिगमेंट से, और इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हाईलाइटर कैसा लग रहा है। इसके बाद में मैंने ये शुगर का मिनी लिपस्टिक लिया है, ये भी रेड कलर का है। ये सारे प्रोडक्ट गाइस सारे वाटरप्रूफ हैं और आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप दुर्गा पूजा पे और करवा चौथ पे या किसी भी फेस्टिवल पे इस मेकअप लुक को आप कैरी कर सकते हैं। और सारे मेकअप को सेट करने के लिए देखिएगा, मैं ये सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, ये कलर बार का सेटिंग स्प्रे है। सेटिंग स्प्रे से जो हमारा मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और इसे ब्यूटी ब्लेंडर से आप देखिएगा हल्के हैंड से ब्लेंड करें ताकि यही कि यही हमारा मेकअप बिल्कुल अच्छे से सेट हो सके। सो कैसा लगा आपको मेकअप लुक? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।
फॉर योर वॉचिंग।